चैनल पर आज हम लोग मिशन गणित की कक्षा 8 की जो कार्यपत्रक है घन और अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बात करेंगे। 23/8/2023 की डेट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? जैसे 2 4 का क्या है, 2×2 होता है। इसी तरीके से अगर 4 की पावर 3 हो तो इसका मतलब क्या है, 2×2 × 2 × 2 यानी 2×2 को जो है हम कम से कम 3 पेयर में लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं 63 की, तो 63 की अगर पावर 3 है तो उसका घन का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2×2 ठीक, 2×2×2 3×3×3 यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 यानी 216 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 की बात करते हैं तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 1000। तो यहाँ से आपने क्या देखा, संख्याओं के घन के अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। जितने भी गुणनखंड होंगे वो सभी 3 बार होंगे। शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं के 3 शून्य होते हैं, यानी एक ऐसी संख्या जिन जो शून्य पर समाप्त हो रही है उसके 3 शून्य अंत में होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 20 का भी क्या है, 8000 है और लास्ट में 3 है। और ऋणनात्मक संख्या का घन जो होगा सदैव कैसा होगा, एक ऋणनात्मक होगा। अब 512 का अभाज्य गुणनखंड जैसे हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 512 दो से जो है 256 बार में जाएगा, 256 जो है दो से जो है 228 बार में जाएगा, 228 दो से जो है 64 बार में जाएगा, 64 जो है ये दो से 32 बार में जाएगा, ये 32 जो है 2 से 16 बार में जाएगा, और ये 16 जो है 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 8 ये 2 से 2 बार में जाएगा डिवाइड होगा, फिर 4 बार में होगा, और 4 ये जो है 2 से 2 बार में होगा, और 2 जो है ये 2 को 1 बार में भाग कर देगा। कहने का क्या मतलब ये है कि अगर 512 का अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 जो है 2 के 3 पेयर देखने को मिलेंगे, फिर 2 का एक 3 पेयर देखने को मिलेगा, फिर 2 का एक 3 पेयर वाला 2 देखने को मिलेगा, यानी कि 3 3 के 3 पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को यदि हम प्राप्त करें तो त्रिसमूह बनता है, तो यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या होगी। अगर कोई संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें और 3 का समूह बन रहा है तो वह क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण घन संख्या होगी। जैसे 512 का गुणनखंड अभाज्य एक त्रियक बनाता है, तो इसलिए जो है 512 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। इसी तरीके से चलिए अब क्या करते हैं, 216 एक अभाज्य गुणनखंड जो है 216 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 216 जो है इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से करेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसको ठीक है तो हमारा कितना आ जाएगा, 54, फिर इसको 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 को 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 को 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3, और 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी 216 को हम जो है 2×2×2 ठीक है लिख सकते हैं, गुणे में क्या लिख सकते हैं, 3×3×3। अब 2×2 का एक पेयर और एक पेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका 216 जो है ये एक घन है, 216 क्या है, एक घन संख्या है ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्यों है, क्योंकि इसमें जो है 2×2×2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर और 3 का एक पेयर आपको देखने को मिल रहा है, वो भी 3 के समूह में 1 2 3 के समूह में मिल रहा है, इसलिए ये घन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।